हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल राम। हमारी जो पहली खबर है बहुत ही प्रेरणादायक है। कैसे? एक लेडी का नाम है के केमला, जो कि 80 साल ओल्ड है और वो इडली बेचती है मात्र 1 रुपए में। एक रुपए में इडली बेचती है, वो 80 साल की हो चुकी है। उनका कहना है कि ज्यादातर जो मेरे पास लोग आते हैं वो मिडिल वर्ग आते हैं और उनको रोजाना सुबह नाश्ता करना होता है, तो अगर वो इडली 15 से 20 रुपए की बेचेगी तो उनका रोजाना कितना पैसा वेस्ट होगा। अगर एक मंथ में अगर मैं देखूंगी तो कितना पैसा उनका यहीं पर लगा दूंगी, मैं 1 रुपए में बेचती हूँ ताकि जो पैसे बचे अपने परिवार के लिए। तो ऐसी प्रेरणादायक महिला से मित्र करना है यूपी से, जहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछा जाऊँ कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद अभी तक किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई गई हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले ही एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये बात यूपी की है, यूपी के अमरोहा जिले की है, जहाँ पर एक शबनम नाम की जिसने एमए कर रखा है भूगोल और अंग्रेजी में, और उनके प्रेमी दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 14 अप्रैल सन 2008 को शबनम और सलीम ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेला और उसको अंजाम देने की वजह से उनको फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसा कौन सा अंजाम था? ये दोनों प्रेम संबंध में थे, और जब प्रेम संबंध में थे तो शबनम जो थी इसने एमए कर रखा था, इसके पिताजी खुद एक टीचर थे, और जो सलीम था वो 5वीं फेल था, मतलब वो एक मजदूर था। घर वालों को इस बात से बिल्कुल मनाही थी और उनकी शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी, ऐसा घर वाले थे। तो इन्होंने ये रोजाना अपने परिवार को शबनम रोजाना अपने परिवार को बेहोशी की दवा खिलाती थी, और फिर एक दिन ऐसा हुआ बेहोशी की दवा खिलाई और उनको कुल्हाड़ी से मार दिया पहले, और खुद रोने लग गई। जब पुलिस वहां पर आई तो पुलिस को उसने बताया कि लुटेरे आए और यहाँ पर मैं उस टाइम बाथरूम में थी, इसलिए बच गई, सबको मार के चले गए। पुलिस ने मान लिया, पर कुछ उसके बाद जब जांच पड़ताल करी तो पता चला कि लुटेरे आएंगे तो न तो कुछ चीजें लूटी गई, सिर्फ उनको मारा गया। उनका पूरा शक शबनम के ऊपर गया, सलीम को दबोचा गया, सलीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इनको फांसी दी जाएगी। तो आजाद भारत में पहली ऐसी महिला जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, मथुरा में इसकी तैयारियां कर दी गई है। पहले भारत में 150 साल पहले एक महिला फांसी गृह बनाया गया था पर वो कभी यूज नहीं किया गया। दूसरी खबर आती है वाइल्ड लाइफ से। अगर मैं आपसे पूछूं सांप काटने पर क्या हो जाएगा तो आप कहोगे मर जाएंगे, बट एक ऐसा सांप होता है बूम्स लेंग स्नेक, ये इसका जहर इतना खतरनाक होता है, अगर किसी इंसान को ये काट लेता है तो न कि ब्लड क्लोटिंग करना बंद करता है, अपितु जितने भी आपके बॉडी में जितने भी होल हैं वहां से खून बाहर आने लग जाएगा, इतना खतरनाक ये वेनम होता है। एक बहुत ही प्यारा विचार पे अब आगे बढ़ते हैं। विचार ये, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम क्या है? देखो टाइम सब अपने अपने मतलब से निकालते हैं, टाइम की परिभाषा सब अलग अलग मतलब से निकालते, पहले भी आपने सुना होगा, फिर भी हम दोहराते हैं। टाइम को हम अलग अलग तरीके से कैसे देखते हैं कि अगर आप किसी का वेट कर तो टाइम आपको स्लो लगने लगता है, इतना धीरे धीरे देखते हैं। जैसे हम स्कूल में बैठे हो फर्स्ट पीरियड में और फिर देखते लंच कब होगा, लंच कब होगा, छुट्टी कब होगी, तो टाइम उस टाइम लगा वो बहुत धीरे चल रहा है, टाइम वही है। पर जब हम लेट हो जाते हैं किसी चीज में तो कहेंगे अरे यार ये टाइम इतना फास्ट क्यों हो रहा है, टाइम इतना फास्ट क्यों, टाइम उसी हिसाब से हो रहा है, बस हमने इसकी परिभाषा चेंज कर ली। जब आप किसी दर्द में हो तो आपको टाइम एंडलेस लगने लगेगा, जब आप बहुत ही दुखी हो तो आपको टाइम बुरा लगने लगेगा, जब आप बहुत ही ज्यादा बोर हो जाओ मतलब बोर सी कंडीशन में हो तब आपको वही टाइम बहुत लंबा सा लगने लगेगा, और अगर आप बहुत ज्यादा खुशी हो तो आपको वही टाइम छोटा लगने लगेगा। टाइम वही है, बस उसके अलग अलग रूप में हम टाइम को देख रहे हैं। एक और आश्चर्य की बात पर हम चलते हैं, 1915 की बात है। 1915 में क्या हुआ था, एक महिला को मर गई थी, उसको कॉफिन में डाल के उसको गाड़ा जा रहा था, तो उसी टाइम उसकी बहन थी जो दूसरी जगह थी उस वापिस आई, क्योंकि वो लेट हो गई थी और जो अंतिम संस्कार नहीं देख पाई थी, उसने कहा कि वो उसको उसे निकाला जाए और उसको देखना चाहती। और आश्चर्य की बात ये थी जब उसको वापिस निकाला गया तो वापिस से जिंदा हो गई
और लगभग उसके बाद 47 साल तक और भी वो जी। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। अब लास्ट खबर है जो अपनी बहुत प्यारी खबर जॉब से रिलेटेड, कि अभी भारतीय रेलवे ने 2532 जॉब्स की एक निकाली, जिसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपके 10th पास होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।